हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल फूडीज डिलाइट। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अफगानी, जो कि खाने में बहुत ही लजीज लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन अफगानी के लिए हमें चाहिए 1/2 kg चिकन, इसे हमने मीडियम साइज का रखा है। इससे पहले हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमें चाहिए एक मीडियम साइज के प्याज, 3 हरी मिर्च कटी हुई, 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू, 3 टेबलस्पून दही। इन सारे इंग्रेडिएंट्स का हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका। अब हम चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन के लिए हम डालेंगे वो पेस्ट जो हमने पहले से तैयार कर कर रखा है, 3 टेबलस्पून दही, 50 ग्राम फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/4 टेबलस्पून चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका। अब हम इसमें चिकन के पीसेस को एक एक करके डालेंगे। इसे अब हम दोनों साइड से रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रहे हमें हल्का ही रोस्ट करना है। चिकन हमारा रोस्ट हो चुका। अब इसमें हम बचा हुआ पेस्ट डाल देंगे। इसे 10 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे, जिससे हमारा मसाला और चिकन दोनों अच्छी तरह से पक जाए। हो चुका है और हमारा मसाला अच्छी तरह पक चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना लाजवाब दिख रहा है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसमें थोड़े धनिया पत्ती काट के डाल दें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने इसे डाला है क्योंकि इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। लास्ट में अब हम इसमें थोड़ी सी जगह बना देते हैं और इसमें एक कटोरी रख देंगे। इसमें एक जला हुआ कोयला डालें, ऊपर से 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। एक प्लेट या लिड की मदद से इसे 2 मिनट के लिए ढक दें। इससे इसका फ्लेवर हमारे अफगानी चिकन में पूरी तरह आ जाएगा और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगेगा। अफगानी चिकन हमारा तैयार हो चुका है। आप भी इसे घर में ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक हम मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में।